ये ढकोसले वाली पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में आकर के जो आपको झूठे आश्वासन रखने और करने में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के आह्वान पर जो 12 से 16 दिसंबर तक सातवें वेतन आयोग के सुधारों के लागू करने के लिए पखवाड़ा मनाया जा रहा था, उसी के अंतर्गत यूपीआरएमएस में आज मंडल रेल कार्यालय भवन में भोजावास के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने 11 जुलाई की हड़ताल को ये कहकर टालने की कोशिश की थी कि हमने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और 4 महीने के अंदर ये अपनी सभी सिफारिशें सरकार को देगी और हम उन सिफारिशों को लागू करेंगे। श्रमिक संघों ने सरकार की बातों पर विश्वास किया, लेकिन आज 6 महीने व्यतीत होने के बाद भी कोई सरकार के कानों को चुनी रख रही हाई पावर कमेटी की अभी सिफारिशें आई नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मकान किराए के भत्ते के रूप में, परिवहन भत्ते के रूप में, यात्रा भत्ते के रूप में प्रतिमाह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये एरियर सरकार भत्तों एरियर कभी देती नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र हाई पावर कमेटी सिफारिशों को लागू करे, वेतन भत्ते जो छठे वेतन आयोग के हिसाब से दिए जा रहे हैं उनको सातवें वेतन आयोग से देना शुरू करें और जो फिटमेंट फार्मूला बदलने की बात सरकार ने कही थी वो अपनी बात पर सरकार राजी हो तब हमारा आंदोलन वापस लेंगे, राजी होंगे। अन्यथा इस आंदोलन को जिस प्रकार 11 जुलाई के पहले हमने आंदोलन किया था उसी रूप में देने की कोशिश की है। सर अपना परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र गौतम, मंडल अध्यक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे मधुसा अजमेर।